जम्मू में आलम खान हकला तू खबर सुनो। जम्मू कश्मीर में आज ते उन इलाका में हाई स्कूल फिर ते खुल जाएगा जित पाबंदी पहला ही खत्म कर दी गई है। वादी कश्मीर में प्राइमरी स्कूल गुजस्ता हफ्ता सोवार ते खुल गया है। स्कूलों की सूरत हाल की जानकारी जराये अबलाग न देता में डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर यूनिस मलिक ने गुजस्ता रोज दस्यो जे पिछला एक हफ्ता के दौरान स्कूलों में असातजा की हाजिरी में बेहतरी आई है। पलक तीन दस होर पुलिस थाना के तहत आयद पाबंदियां व नरमी की जाएगी। अखबारी नुमाइंदे गलबात करता हुआ श्रीनगर का SSP डॉ हसीब मुगल ने गुजस्ता रोज दस्यो जो वादी कश्मीर का 81 पुलिस थाना के तहत आन आला इलाका में तिहाड़े की पाबंदी हटा दी गई है। उन्होंने दस्यो जो जिन पुलिस थाना से पाबंदी हटाई गई है उनमें शुमाली कश्मीर का हाजिन करेरी डांगीबज ते वालगाम शामिल है जबकि जनूबी कश्मीर का अनंतनाग कुलगाम त्राल ते शुपिया शामिल है। दूजा जिन पुलिस थाना में पाबंदी खत्म की गई है उनमें निशात शेरगरी बीरवा ते चरारे शरीफ शामिल है। जम्मू कश्मीर का मुतलक गुजस्ता रोज नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग मुनकद हुई। मारा नुमाइंदा ने जराइयों को हवालों देता में दस्य हुआ जे बख बख महकमा नाल हुई इस मीटिंग में मरकजी सरकार की तरफों शुरू की गई स्कीम ना जम्मू कश्मीर में लागू करण ते जम्मू कश्मीर का हालात मामूल वर लियान बारे चाया गया एकदम वर गौरव फिक्र कियो गयो। अकलियती अमूर वजारत की एक टीम गुजस्ता रोज कश्मीर पुज गई। यह टीम वादी कश्मीर का उन इलाकों की निशानदेही करेगी जित मरकजी सरकार का प्रोजेक्ट अमलाया जाएगा। यह टीम जम्मू कश्मीर ते लद्दाख में उन इलाकों को भी मुआयना करेगी जित स्कूल कॉलेज हुनर तरक्यात मरकज ते दूजी सहूलत की जरूरत है। आईने हिंद की दफा 370 ते 35A की मनसूखी तू बाद किसी भी मरकजी सरकार की टीम वो यो पहलो दौरो है। यह टीम जम्मू कश्मीर ते लद्दाख की समाजी ते इक्तसादी तरक्की वास्ते एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। मरकजी अकलियती अमूर की वजारत का सेक्रेटरी शालेश जेड़ा जे कश्मीर का दौरावर आई टीम को हिस्सों है ने गुजस्ता रोज गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर मौसूफ ने मौजूदा वक्त में खिता में समाजी ते इक्तसादी तरक्की वास्ते नारे नौजवानों की बहबूद वास्ते चाया जाने आला इकदाम बारे दस्यो पालियो। गवर्नर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की मुकम्मल तरक्की यकीनी बनान ते मरकजी सरकार की स्कीमा को फायदो अवाम तुड़ी पजान वर जोर पायो। जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन बराए खवातीन तहफुज ते बच्चों का हकूक का चेयरपर्सन वसुंधरा पाठक मसूदी ने गुजस्ता रोज गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। जनाब मसूदी ने गवर्नर ना कमीशन का कामकाज की तफसीली जानकारी दी थी। नाले खवातीन ते बच्चों का हकूक के खिलाफ वर्जी ते उन्ना इंसाफ दवान वास्ते चाया गया इकदाम की जानकारी भी दी थी। गवर्नर मौसूफ ने इस दौरान खवातीन ते बच्चों का हकूक वर खसूसी ध्यान देन वर जोर दितो नाले उम्मीद जाहिर की जे कमीशन वेले सिर उन्ना इंसाफ दवाना यकीनी बनावेगो। पाकिस्तानी दस्ता ने जिला पुंछ में गुजस्ता रोज जंगबंदी का मुआयदा के खिलाफ वर्जी करता में कब्जा लकीर वर गोलीबारी की। दफाई तर्जुमान ने दस्य वजह पाकिस्तान ने यह गोलीबारी शाम 6:30 बजे शुरू की जड़ी 8 बजे तोड़ी जारी रही। दफाई तर्जुमान ने दस्य वजह भारतीय फौज ने भी इस गोलीबारी को बनक तो जवाब दितो है। मरकजी सरकार ने खवातीन की साफ सफाई बारे एक बड़ो इकदाम चाहता हुआ जन आशुदी मरकजा वर मिलन आला सैनिटरी नैपकिन की कीमत 1 रुपये फी अदद मुकर्रर की है जिड़ी पहला 2.5 रुपये फी अदद थी। इस गल को ऐलान मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में गुजस्ता रोज एक तकरीब संग खिताब करता हुआ कियो। उन्होंने कहा जो मरकजी सरकार पूरा मुल्क की खवातीन ते बच्चियां ना मुनासिब कीमतों में साफ सफाई को सामान मुहैया कराना यकीनी बनावेगी। कठुआ में सनद की तरफों आलूदगी फैलाए जान के खिलाफ सिविल सोसाइटी को एहतजाज 6वें रोज भी जारी है। मती तादाद में खवातीन ने हटली मोड़ पर इकट्ठा होकर मुंह पर स्याह मास्क बन गए एहतजाज कियो। उन्होंने लाल जुमरा की इंडस्ट्री के खिलाफ नारेबाजी की नाले माहौल बचान ते जिंदगी बचान का हक में नारे भी लाया। पुलिस का डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने हाल ही में श्रीलंका में मास्टर एथलेटिक सालाना चैंपियनशिप 2019 में जम्मू कश्मीर पुलिस सेंट्रल स्पोर्ट्स एथलेटिक टीम का खिलाड़ी रियाज अहमद ना नकदी इनाम ते सर्टिफिकेट नाल नवाजे हुए। रियाज अहमद ने इस चैंपियनशिप में कांसा का तमगा हासिल किया था। रियाज अहमद ने 5000 ते 1500 मीटर का मुकाबला में 2 कांसा का तमगा हासिल किया था। DGP मौसूफ ने रियाज अहमद ने इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की नाले उन्ना मुस्तकबिल का मुकाबला वास्ते नई ख्वाहिशात भी दी थी। इसके नाल ही गोजरी खमरा को शुमारो मुक गयो।